एक पार्किंग का टिकट कटाया है और एक है घूमने का, जो कि 300 रुपए टिकट है प्रत्येक व्यक्ति। ये तीनों हमारे साले साहब है, तीनों की शादियां और बच्चे भी हो गए हैं। महल कुछ दूरी से ऐसा दिखाई देता है, अब देखते हैं पास से। फाइनली दोस्तों हम महल के बाहर आ चुके हैं और देख सकते हैं कैसा लग रहा है ये महल, बहुत ही शानदार। दोस्तों इधर आप कभी भी चाय पीने आ सकते हैं, अपना ही घर है। हम इस रास्ते से चलकर आए इस महल को देखने के लिए। यह महल ग्वालियर में स्थित है जिसका नाम है जय विलास पैलेस। यहाँ पर सामान रखने के लिए लॉकर मिलते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं महल के अंदर, जरा थोड़ा हमें भी देख लो। हमने महल में सिर्फ प्रवेश किया है और हमारी पार्टी पूरी सेल्फी लेना वीडियो बनाना स्टार्ट कर चुकी है। हमारे पीछे स्टैच्यू खड़े हुए हैं, यह म्यूजियम है जिसे हम देखने वाले हैं। अंदर से यह महल कैसा दिखाई देता है ध्यान से देखो। म्यूजियम के अंदर आ चुके हम और म्यूजियम में सच में गजब का वीडियो क्वालिटी आ रहा है। यह हमारे सबसे छोटे साले साहब है जो की आपको दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल हीरे की तरह चमक रहा है। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं आखिरकार क्या है भाई। अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं एक और साले साहब। हमारे पीछे इतनी तस्वीरें लगी हुई है कि इन सभी का नाम बताना संभव नहीं है, क्योंकि नाम बताते बताते रात हो जाएगी। यहाँ पर बहुत ही पुरानी मूर्तियां हमें देखने को मिलती है और यहाँ पर इस म्यूजियम में कुछ गेट बंद हैं, लेकिन ये गेट शायद भविष्य में खुल सकते हैं और देखेंगे क्या है इनके अंदर। तो मूर्तियां देखने को मिली हमारी घरवाली के भाई स्वागत करते हुए। और हम आ चुके हैं ऐसी रूम में जो कि सोने से भरी हुई है। सामने जो चुनरी है ना वो पूरी सोने की बनी है, मेरे पीछे जो कपड़ा है ना भाई वो पूरा सोने से बना हुआ है और हमारे पीछे ये आप भी सोने के कपड़े पहने हुए हैं। और यहाँ पर जो गद्दी दिखाई दे रही ना ये भी सोने के बने हुए हैं। दोस्तों ये शीशे में पैक है और रियल में ये सभी सोने से बनी हुई है। और जो ये चूनर है ये भी सोने से बनी हुई है। मेरे पीछे जो भी ड्रेस दिखाई दे रही है सब में सोना लगा हुआ है, वो भी लाखों करोड़ों रुपए का। तांगे तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी आपने चांदी का तांगा देखा है, वो भी बहुत ही बड़ा। तो अभी हम चांदी का तांगा देखने वाले हैं जिसे पहले चलाया जाता था घोड़े लगाकर। देख सकते हैं इधर चांदी का तांगा, दोस्तों पहिए भी लगे हुए हैं और हमने यहाँ पर कुछ सेल्फी भी ली। चलो हम कुछ सेल्फी भी ले लेते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं और देख सकते हैं हम बहुत ही जोर शोर से यहाँ पर तस्वीरें ले रहे हैं। अगली रूम की ओर कदम बढ़ाते हुए हमारे पीछे ढेर सारी तलवारें, भाले, बहुत कुछ सामान है भाई, सच में मजा आ गया। अब भाई ये कौन सी रूम है और इधर कौन सी रूम है भाई, चारों तरफ ही दरवाजे दरवाजे। दोस्तों हम इस महल के ऐसे रूम में आ चुके हैं जो कि सच में गजब का रूम है। यानी कि इस महल में रहने वाले जो भी लोग थे, महाराज जाए या उनके जो भी पुत्र वगैरह, उनकी सभी की यादें यहाँ दीवारों पर चिपकी हुई हैं। जो भी उन्हें अवार्ड मिले थे, उनके कपड़े, उनकी तस्वीरें, टाई, बेल्ट, सब कुछ, उनके जूते तक, बालकनी से महल को देखते हुए। और यहाँ पर हमने साले साहब फोटो खींचते हुए और हमने भी सोचा हम भी किसी से कम है के बालकनी से कुछ इस प्रकार से यह महल दिखाई देता है चारों तरफ से, सच में गजब। यह 19वीं सदी का हुआ म्यूजिक यंत्र है जो कि बहुत समय तक बजता रहता है। इस टेबल पर चांदी की प्लेटें, चांदी की चम्मचे, बहुत कुछ है। और यहाँ पर बच्चों के खिलौने हमें देखने को मिले जो कि बहुत ही ज्यादा पुराने बताए जा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं अस्त्र शस्त्र वाले रूम में, जहाँ पर ढेर सारे अस्त्र शस्त्र, भाला, तलवारें और बंदूकें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। देख सकते हैं कैसी कैसी तलवारें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिनका नाम पढ़ते पढ़ते 2 दिन लग जाएंगे। और यहाँ पर इतनी तलवारें बताई गई और हमें बड़ा हाथी देखने को मिला, पूरा युद्ध का सामान इस कमरे में हमें देखने को मिला। सच में इस हॉल में इतनी तलवारें और बहुत कुछ अस्त्र शस्त्र लगे हुए थे जिससे शायद पूरी जो भी सेना होगी ना उनके लिए काफी बजट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें उस जमाने के वो सभी अस्त्र शस्त्र देखने को मिले। ये देखिए भाई ये क्या बवाल है, इसे ध्यान से देखिए भाई, सच में देखकर मजा आ गया। अभी हम आ चुके हैं इस महल के पूजा रूम में, यानी कि पूजा की जाती थी इस महल में। यहाँ पर हमें देखने को मिली श्री कृष्ण की मूर्ति और उनका झूला भी, और देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी बताई गई है कि भाई ये झूला कहाँ से आया है। इस महल में हमें मिली कैरमान का कालीन, सच में इतनी बड़ी कालीन मैंने पहली बार देखी है। देख सकते हैं ये है भाई कालीन, जिसे कैरमान का कालीन बोला जाता है, इसे सिर्फ ठंडी छांव में ही रखा जाता है। यहाँ पर हमें बहुत सामान देखने को मिला और जो कि बहुत ही सुरक्षित रूप से रखा गया है। देख सकते हैं भाई ड्रैगन जैसा पता नहीं क्या है, मैं नहीं जानता। और यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम तो जानते ही नहीं है भाई, सच में आप भी देखेंगे तो मजा आ जाएगा।
चलो थोड़ा अंदर जाके देखते हैं आखिरकार ऐसा क्या है। ओ भाई साहब, सच में मजा आ गया। यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है राजा महाराजा जैसी फीलिंग्स आ रही है। ज्यादातर ऐसे सीन आपने फिल्मों में देखे हुए हैं और अभी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो हमने सोच लिया थोड़ा सा वीडियो तो बनाना चाहिए इस जगह का, और यहाँ पर हम वीडियो बनाते हुए और अभी हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। भाई जल्दी जल्दी निकलते हैं चलो। यहाँ पर हमें देखने को मिली पालकी जिसमें महारानी बैठती थी, और यहाँ पर ढेर सारा सामान मिलता है। यहाँ आप इस बुक में अपने विचार लिख सकते हैं कि आपको इस महल में कैसा लगा। लेकिन हमारे साथी तो सच में गजब के विचार लिख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। आधा घंटा हो गया, अब हम आ चुके हैं इस हॉल में। सच में ये हॉल तो गजब का है। ऊपर झूमर लटक रही है क्योंकि ना जाने कितने कुंडल की है। इस हॉल में खाना खाया जाता था, और इसमें हमें देखने को मिली चांदी की ट्रेन। दोस्तों प्योर चांदी की ट्रेन, इस चांदी की ट्रेन से खाना परोसा जाता था, जो कि अभी शीशे के बॉक्स में बंद है। और आप ध्यान से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यह हॉल दिखाई देता है। अभी हम सीढ़ियों की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं और देखते हैं कहां जाते हैं हम। और नीचे देखने पर कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। और भाई ये कहां आ गए हम, स्वर्ग में। देख सकते हैं इस वाले कमरे में दोस्तों इतना सोना चांदी लगा हुआ है जिसे देखकर सच में आपको भी मजा आ जाएगा। पूरी दीवारों पर सोने से पोत दी गई है, रियल सोने से, और झूमर लटक रही है ना जाने कितने कुंडल की। पूरी दीवारें एकदम गोल्डन दिखाई दे रही होंगी। ऊपर की छत इतनी मजबूत है कि इसकी मजबूती चेक करने के लिए ऊपर से 10 बड़े हाथियों को निकाला गया, उसके बाद इन झूमरों को लटकाया गया ताकि मजबूती अच्छे से चेक की जा सके। इस कमरे में आने के बाद तो सच में चारों तरफ बस चमक ही रहा है, सब कुछ चमक ही रहा है। बालकनी से इस महल को देखते हुए सच में गजब का लग रहा है। फाइनली दोस्तों हम महल से बाहर आ चुके हैं, यानी अभी अंदर ही हैं, पर बाहर से देख रहे हैं भाई कैसा दिख रहा है। सब आ रहे हैं, इधर घूमियो भाई साहब, लेकिन जे जयविलास पैलेस मत घूमियो, 300 रुपया दे आज करो मेरे भाई। अभी हम आ चुके हैं इस महल की किचन में। हाँ दोस्तों, किचन में ढेर सारा प्लास्टिक का सामान देखने को मिला, यानी कि प्लास्टिक के फल फ्रूट, अंगूर और प्लास्टिक के ना जाने क्या देखने को मिला। लेकिन इस किचन में हमें बहुत सामान जो कि पुराने समय का था, जब यूज किया जाता था, और वह सामान बहुत ही सुरक्षित रूप से रखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा सामान रखे हुए है, बड़ी बड़ी चम्मचे, बड़े बड़े चम्मच। लेकिन एक दो चीजें ऐसी थी जो कि तुरंत बनाई गई थी ताकि लोग इन्हें देख सके, जैसे कि चूल्हे। फाइनली हम महल के बाहर आ चुके हैं, और बाहर से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है इस महल का। और अभी हम घर के लिए रवाना होने वाले हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के लिए शेयर जरूर करना, और घूमने जाएं तो कमेंट्स करना।